हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश का क्वीन सिटी कहा जाने वाला झांसी ज़िला के बारे में आज हम आप सभी को बताने वाले हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश क्वीन सिटी कहा जाने वाला झांसी ज़िला के बारे में, जो बसा है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में और मध्य प्रदेश की सीमा को टच करता है। अगर आप कभी उत्तर प्रदेश में घूमने का मन बनाते हैं तो नंबर वन पर होना चाहिए आपका झांसी, क्योंकि दोस्तों झांसी के बारे में कहा जाता है कि बुंदेलों हरबेलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों, भारत ने हमें दी है सबसे महान रानी, जिसने देश को आज़ाद कराने में देश को एक नई पहचान दिलाई, और यहीं पर स्थित है झांसी का वह विशाल किला जहाँ से अंग्रेज़ों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता था। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं झांसी ज़िला के क्षेत्रफल के बारे में, जो फैला है 5024 वर्ग किलोमीटर में और उत्तर प्रदेश का सातवां सबसे बड़ा ज़िला दोस्तों झांसी ज़िला है, तथा इसके अलावा उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे साफ सुथरा शहर भी है, जो मध्य प्रदेश बॉर्डर के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। यहाँ के आरटीओ की कोड की बात करें तो यूपी 93 व साक्षरता दर 69.68% है। दोस्तों, झांसी ज़िला गर्मियों में तेज़ गर्मी और ठंडियों में कड़ाके की ठंड की वजह से भी जाना जाता है। दोस्तों, झांसी की पहचान होती है यहाँ के हरे भरे जंगलों एवं पहाड़ों एवं बड़े किलों की वजह से। दोस्तों, आइए एक नज़र डालते हैं झांसी के इतिहास के बारे में। झांसी की स्थापना 404 ईस्वी पूर्व ओरछा के प्रतापी राजा वीर सिंह बुंदेला ने 1608 ईस्वी में की थी। तब इसको बलवंत नगर के नाम से जाना जाता था। 17वीं शताब्दी में मुगल कालीन शासकों ने बुंदेला क्षेत्र में लगातार कई बार आक्रमण किए। इस वजह से बुंदेला राजा छत्रसाल ने मराठों से सहायता मांगी। फिर इसके बाद मराठों ने इस शहर का खूब जमकर विकास किया, लेकिन धीरे धीरे मराठा शक्ति भी अंग्रेज़ों के सामने कमज़ोर पड़ने लगी और अंग्रेज़ों ने इस पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया। सन 1857 ईस्वी में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने के बाद अंग्रेज गवर्नर जनरल ने झांसी को पूरी तरह से अपने आधिपत्य में कर लिया। गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने खूब जमकर विरोध किया। इन्हीं परिस्थितियों के चलते झांसी में 1857 का संग्राम शुरू हो गया, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव का पत्थर सिद्ध हुआ। दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य के जंग के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं सैन्य बल का संचालन किया और देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। दोस्तों, सदियों से अपनी परंपरा कला और संस्कृति को सजोता आ रहा झांसी आज देसी विदेशी पर्यटकों का एक मुख्य केंद्र बन गया है। हर साल यहाँ लाखों पर्यटक झांसी का किला, वाटरफॉल, बरुआ सागर, झील, झांसी म्यूजियम और पावन महालक्ष्मी धाम के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं झांसी के पर्यटक स्थल के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे झांसी ज़िला का, जिसे रानी लक्ष्मीबाई ने के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने 1613 ईस्वी में करवाया था, और ये किला भारत के सबसे पुराने किलों में भी शुमार है। इस किलों पर बुंदेलों मराठों से लेकर अंग्रेजी हुकूमत तक कई शासकों ने शासन किया। लाल बलुआ रंग के पत्थर से बना यह किला
देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इस किले को एक जादुई किला रूप प्रदान करता है। तो दोस्तों ये रहा झांसी की कुछ अमेजिंग फैक्ट। तो दोस्तों हमारी ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।